नमस्कार, मैं हिंदुस्तान की बेटी अधिवक्ता रचना रिया मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच एवं प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया लोहिया वाहिनी। हाल ही फिलहाल में आलमबाग लखनऊ का एक वीडियो सामने आया, जहां पर एक लड़की सरेआम एक कैब ड्राइवर को मार रही थी। उसकी कार उसने कई बार हिट की, यहां तक कि उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उस ड्राइवर ने रेड लाइट जलने से पहले ही अपनी गाड़ी रोक दी। उस लड़की को किसी भी तरीके को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इस लड़की ने अपने ईगो को सेटिफाइज करने के लिए सरेआम पब्लिकली उस लड़के को मारा और उसको कई बार उसकी कार को हिट किया। और ये तमाशा चलता रहा, इस पर किसी ने किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने महिला पुलिस तक का भी कॉल नहीं किया जो उस लड़की की इस बेवकूफ़ी पे लगाम कसे। अब सामने बात ये आती है कि जहाँ पर एक लड़की ने इस तरह का तमाशा खड़ा कर दिया और आज किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, यही चीज़ अगर किसी लड़के ने किया होता तो कई फेमिनिस्ट निकल के आ जाते, कई आवाज़ उठने लगती और देश शर्म से झुक जाता। मैं ऐसी लड़कियों से, ऐसी बिगड़े लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन कार्ड खेलना बंद करें और जिस तरीके की इज्जत लड़कियों को मिल रही है, लड़के भी डिजर्व करते हैं इज्जत। इज्जत करो उन लड़कों की जो इस आपके इस तमाशे को यूं ही खामोशी से सहते रहे और एक भी थप्पड़ खींच के आपको नहीं मारा। और मैं अपने पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी लड़कियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराई जाए और इनको सरेआम पब्लिकली इस तरह से ना छोड़ा जाए कि किसी की भी इज्जत को तार तार कर दे, अपनी लड़की होने का फ़ायदा उठाए। ऐसे ना जाने कितने केसेस आते हैं जहाँ पर एक लड़की वर्कर्स को फंसा देती है, फेक एलिगेशन लगा देती है, उनकी नौकरी छिन जाती है, उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमारे समाज में लड़कियों ने इस तरह की गंदगी फैला के रखी है। तो मैं ऐसी लड़कियों से बस यही कहूँगी कि काश अपने फैमिली मेम्बर से इतना सीख लिया होता कि जिस तरीके से लड़कियों की इज्जत होती है, उसी तरीके से लड़कों की भी इज्जत हमें करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने के लिए मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी जांच हो, उस टैक्सी ड्राइवर को पूरा न्याय मिले, क्योंकि इस टैक्सी ड्राइवर की कोई गलती भी नहीं थी और उस लड़की ने जिस तरीके का तमाशा खड़ा कर दिया, ये पूरे देश को शर्म करने की बात है जहाँ पर एक लड़की ने अपनी लड़की होने का फ़ायदा उठाया। क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि लड़कों की कोई इज्जत नहीं है? जिस तरीके का तमाशा खड़ा कर दिया गया और आज किसी तरीके की कोई जाँच नहीं हो रही है, इस तरह के केसेस पे आंख बंद करके प्रशासन क्यों बैठा हुआ है? मैं बस ये मांग करना चाहती हूँ कि जिस थाने से वो बिलोंग करती है, उस थाने में जांच ना होकर के किसी अन्य थाने में जांच हो, पूरी तरीके से पारदर्शिता इसमें आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जहाँ पर एक लड़की सरेआम पब्लिकली इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है और उस पर किसी तरीके कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। हमारे देश में लड़कियों के लिए इतने कानून बने हैं कि वो गलत भी करती हैं तो भी उनके लिए ही बात उठती है, और लड़कों के लिए अगर लड़के सही भी हैं उनको गलत ठहरा दिया जाता है। कानून में प्रावधान होना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, इससे पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि कोई भी अपने मेल या फीमेल होने का फायदा ना उठा पाए। और लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि जितनी इज्जत उनकी है उतनी ही इज्जत लड़कों की भी है। बस मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों पे लगाम कसी जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उस कैब ड्राइवर को उसकी इज्जत वापस मिलनी चाहिए, वो अपनी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने, उसके साथ जो हुआ है घटना उससे वो निकल पाए, ऐसी जांच होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत माता।